बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 2 tan थीटा और 1 प्लस tan square थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। दैट इज 2 tan theta over 1 plus tan square theta। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आते हैं। tan theta को कन्वर्ट करते हैं sin theta और cos theta में। tan theta is equal to sin theta over cos theta। ठीक है, और 1 plus tan square theta ये हमने पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने तीन पढ़ी थी, दैट इज sin square theta plus cos square theta is equal to 1, 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सिकेट स्केयर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेट स्केयर थीटा। ठीक है, ये हमने तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, जिसमें से ये यहां पर देखें 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, सिकेट स्केयर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्केयर थीटा की जगह हम क्या लिख देते हैं, सिकेट स्केयर थीटा। इसको 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, अब ये क्या डिवाइडेड बाय, अब ये किसी में देखते हैं 1 ओवर सेकेंड स्केयर, तो 1 ओवर सेकेंड स्केयर क्या हो जाएगा, कॉस स्केयर, क्योंकि सेकेंड थीटा जो है किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कॉस थीटा के। सेकेंड थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, उलट होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया, 2 साइन थीटा इन टू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और दूसरी चीज हमने क्या बतानी है, डोमेन ऑफ थीटा, दैट इज थीटा बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, बट क्या चीज इन्वॉल्व साइन थीटा कॉस थीटा, बट थीटा इज नॉट एन ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म ही गिवन है हमें, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। दैट इज 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस साइन थीटा से और डिवाइड भी कर लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा से। ठीक है, ए माइनस बी इन टू ए प्लस बी की फॉर्म होगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकेंड का स्केयर, 1 का स्केयर माइनस साइन थीटा का होल स्केयर ओवर, यहां पर क्या बचेगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो वहां से अगर हम कॉस स्केयर क्यों निकालते हैं, तो क्या आती है, 1 माइनस साइन स्केयर, तो 1 माइनस साइन स्केयर इज इक्वल टू किसके होता है, कॉस स्केयर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। कॉस एक कॉस कैंसिल हो गया, बाकी मेरे पास क्या रहेगा, कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दूसरी चीज में क्या बतानी है, डोमेन, डोमेन ऑफ थीटा, दैट इज थीटा बिलोंग्स टू आर, बट थीटा इज नॉट एन ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। टेन थीटा
प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। इसमें हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, दैट इज टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लगाते हैं, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला। अब कॉट का हमने बताया था कि क्या होता है, टेन का उलट होता है ये। ठीक है, अगर टेन जो है वो साइन ओवर कॉस है, ठीक है, तो कॉट क्या होगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। दो फ्रैक्शन हैं, दरमियान में प्लस आ रहा है, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, दैट इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका एलसीएम आ गया। इसको ऊपर रखते हैं, इसे डिवाइड करते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन आ जाएगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको ऊपर रखते हैं, इसे डिवाइड करते हैं, साइन से साइन कैंसिल आउट, कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बेसिक जो हमने तीन आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उनमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, ठीक है, वन ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, वन ओवर कॉस क्या होता है, सीकेंट, वन ओवर साइन क्या होता है, कॉस सीकेंट, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सॉरी यहां पर इसका स्केयर चल रहा था, ठीक है, ये स्केयर में मिस कर दिया था, ये स्केयर जब इसको हम यहां से ओपन करेंगे इसको एक से और कर लेते हैं, स्केयर ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्केयर थीटा इंटू साइन स्केयर थीटा। ठीक है, वन ओवर कॉस स्केयर क्या हो जाएगा, सीकेंट स्केयर थीटा, और वन ओवर साइन स्केयर क्या हो जाएगा, कॉसेकेंट स्केयर थीटा। ठीक है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा प्रूफ है, इसकी डोमेन, डोमेन ऑफ थीटा, थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा इज नॉट एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, ये फिर मेरा आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 हमारा मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस वन ओवर टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस वन इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, दैट इज टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस वन ओवर टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस वन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरीके सॉल्व कर सकते हैं, एक तो ये कि इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लें, दूसरा एक और इसका आसान तरीका है कि हमारे पास ये वन है ना, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेसिक, तीन जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है, ठीक है, कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर थीटा, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ ये टेन ऑफ सेकेंट के फॉर्म में हम इसको इस तरह करते हैं कि सेकेंड आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। यहां से अगर हम वन स्क्वायर निकालना चाहें तो क्या करेंगे, टेन स्क्वायर को उठाकर उसमें भेजें, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ठीक है, इस वन की जगह हम क्या करते हैं, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा इसको अलग कर लें, माइनस वन की जगह पुट कर लेते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस वन रिमेन द सेम। अब ये दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, ठीक है, जहां पर भी दो स्क्वायर आते हैं दरमियान में माइनस आता है तो हम क्या करते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये हमने लिख लिया, ये ऐसे टेन थीटा माइनस
secant theta plus 1. tan theta plus, ये एकक है, ये एकक है, ठीक है। इसमें देखिए tan theta plus secant theta इसमें भी है, tan theta plus secant theta इसमें भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें से होल में से कॉमन निकाल लेते हैं इसको, tan theta plus secant theta, ये हमने होल से कॉमन निकाला, बाकी मेरे पास क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 minus 1 into this, अब दोनों में माइनस है, ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि जब माइनस ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा, ओवर tan theta minus secant theta plus 1, ठीक है। जगह थोड़ी सी शॉर्ट है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा tan theta plus secant theta, ये वाला आ गया, ठीक है। ये माइनस ओपन करते हैं, जब ये माइनस ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 1 माइनस secant theta, और ये क्या हो जाएगा, प्लस tan theta, प्लस tan theta, और ये tan theta माइनस secant theta प्लस 1, ठीक है। अब अगर ये देखें, ये दोनों, ये 1 प्लस का, ये प्लस का 1, माइनस का secant theta और प्लस का tan theta, ठीक है। अगर समझ आ जाती है तो डायरेक्टली यहां पर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं तो इस फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, tan theta plus secant theta into, तरतीब दे लेते हैं इसे, tan theta minus secant theta plus 1 over tan theta minus secant theta plus 1, ठीक है। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, tan theta plus secant theta, ठीक है, which is equals to right hand side, ठीक है। यही हमने प्रूफ करना था, और दूसरी चीज हमने क्या बतानी है, डोमेन ऑफ थीटा, डोमेन ऑफ थीटा क्या है, कि यहां पर थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर दैट इज आर, बट थीटा इज नॉट एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 हमारा मुकम्मल हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लें, समझ लें, और इसकी प्रैक्टिस भी लाजमी कर लें। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। अब इसमें हम एक काम करते हैं कि ये जो मिलती जुलती चीजें इनको इकट्ठा कर लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो हम डायरेक्ट यहां का भी एलसीएम ले सकते हैं, यहां का भी ले सकते हैं, और दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जरा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। कोसेकेंट माइनस कॉट, कोसेकेंट प्लस कॉट, इनको एक तरफ कर लेते हैं और साइन वालों को एक तरफ कर लेते हैं, 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, ये आ गया, ये बना, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1 ओवर साइन थीटा। अब चाहे तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके कर लें, इसको राइट हैंड साइड के साथ सॉल्व कर लें, या इनको एक साथ सॉल्व कर लें, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इनटू कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। ये इसका एलसीएम आ गया, इसको ऊपर रखेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, ये माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रह जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, प्लस इसको ऊपर रखेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रह जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, यहां पर भी देखें इसी तरह साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1। अब ये देखें, ये प्लस का कॉट थीटा और ये माइनस का कॉट थीटा, ये कैंसिल आउट हो गए, बाकी क्या रहेगा, कोसेकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा, दैट इज प्लस और एनल, इनके कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, 2 कोसेकेंट थीटा ओवर, अब ये देखें, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकेंड का स्केयर, कोसेकेंट स्केयर थीटा माइनस कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 ओवर साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, कोसेकेंट स्केयर थीटा माइनस कॉट स्केयर थीटा,
तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पूरी एक्सरसाइज में बार 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 उनका यूज हो रहा है, बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लें, ठीक है। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तीसरी जो मैंने पढ़ी थी आइडेंटिटी, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमने वन की वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉट स्क्वायर को उठा उधर ले जाए, माइनस हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, वन टू कोसेकेंट थीटा ओवर वन इज इक्वल टू टू। अब ये वन ओवर साइन क्या होता है, कोसेकेंट, ठीक है। वन लिखें तो लिखें एक ही बात है, ठीक है। टू कोसेकेंट थीटा इक्वल टू टू कोसेकेंट थीटा, प्रूव हो गया ये, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था। और दूसरी चीज डोमेन, डोमेन ऑफ थीटा, थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा इज नॉट एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 मुकम्मल हो गया। ये क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखिरी ये जो इसके 5-6 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पिंडी बोर्ड में भी आते हैं और फेडरल बोर्ड में भी आते हैं। तो इनको अच्छे तरीके से देख लें और इनको अच्छे तरीके से समझ लें, इनकी प्रैक्टिस लाजमी कर लें। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसमें भी हम पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या फॉर्म है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्म है हमारे पास। अब ये हमारे पास है एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या करते हैं, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू फर्स्ट का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी का स्क्वायर यानी सेकेंड का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा का होल स्क्वायर एक ही बात होती है, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहां पर यूज होगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तरतीब से लिख लेते हैं एक बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, अब ये चीज जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पहली जो हमने पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये आइडेंटिटी थी, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। और डोमेन ऑफ थीटा दैट इज थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा मुकम्मल हो गया। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक अटेम्प्ट किए जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बाकी 21 से 24 तक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज 9.4 को बहुत अच्छे तरीके से देख लें, समझ लें, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बेसिक्स इसमें बताई जा रही हैं और यही बेसिक्स आगे भी चलेंगी। हमारे चैनल काशिफ साइंस अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए टाइमली उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।